देखिए, ये एक स्त्री है जिनका कॉयल जल गया था, तो इसमें हम नवा कॉयल डालते हैं। तो चलो पहले सिरे से चेक कर रहे। देखिए, ये पुराना वाला कॉयल है और ये नवा कॉयल है। सिरे से चेक किया तो पुराना कॉयल नहीं कंटिन्यूटी बता रहा था, मतलब सीरीज नहीं बता रहा था, नवा कॉयल नहीं बता रहा है। इसको बिल्कुल इजी तरीके से बैठ जाता है, इस तरह से आपको बैठा देना है उसके ऊपर, फिर ये कवर बैठा देना है ये, और बीच में जो है इससे ये निकलेगा, जिससे अपने ऑटो कट सेट करते हैं। ये इस तरह से बिल्कुल बैठा के आपको साइज़ मिला के बीस सुराख से निकाल लेना है। देखिए मैं जिस तरह निकाल रहा हूँ, फिर उसके ऊपर पे वाइसर लगा रहता है ये वाइट का, उसके ऊपर पे एक स्क्रू लगा रहता है छोटा सा, ये इस तरह से अंदर में डाल के आपको अच्छे से फिट कर देना है। जिस तरह आपको एडजस्टेबल ऑटो कट जहाँ पर आपका बराबर फिट खाता हो वहाँ पर आपको फिक्स कर देना है। चारों तरफ से नट कसने के बाद भी फिर देखना है आपका ऑटो कट बराबर है कि नहीं है। मैं हर इसका तरफ अच्छे से वायरिंग टाइट का कर दिया ऊपर डायग्राम से कवर लगाने के बाद। आपको आपको जो रेड कलर का वायर है ये बीच में लगाना है, और जो ब्लैक कलर वायर है उसको इधर लगाना है। आपका चेक कर लेना, यानी रेड कलर में डालने के बाद, ये बंद चालू करने के बाद, ये जो बंद चालू करने मतलब इधर आता है सप्लाई या इधर आता है, क्योंकि किसी किसी में अंदर से शॉर्टिंग इस तरफ क्या रहता है, यानी जो ऐसा घूम के आता है यहाँ पे दिया रहता है, किसी किसी में इधर इस तरफ शॉर्ट किया रहता है, किसी में उस तरफ शॉर्ट किया रहता है। तो आपको देख लेना है बीच में डालने के बाद इस तरफ आ रहा है करंट है या इस तरफ आ रहा है, सीरीज से या मल्टीमीटर से देख लेना है कि बीच में बीच वाले में डालने के बाद आपका करंट उस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, इसको बंद चालू करके देख लेना है। अगर उस तरफ जा रहा है तो न्यूट्रल को इस तरफ जोड़ना है, अगर इस तरफ आ रहा है तो उस तरफ जोड़ना है। तो हमारा इस तरफ आ रहा है अभी न्यूट्रल, तो ये फेस यानी इस बीच में डालने के बाद फेस हमारा यहाँ आ जा रहा है कट मार के ये रेगुलेटर के थ्रू, तो हम न्यूट्रल यहाँ डालेंगे। इस तरह से वायरिंग है हमारा।